जैक और जादुई बिन। एक गांव में एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक कुछ काम नहीं करता था। वो बहुत आलसी था। उनके पास एक गाय थी जिस पर इन दोनों का गुजारा हो रहा था। लड़का हर रोज उस गाय को चराने ले जाता था। दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज गाय चराने से परेशान होकर एक दिन वो उस गाय को बेचने की सोचता है। ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार जाते वक्त बीच में जैक को एक अजीब बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपने जेब से निकाले। बीन्स? हाँ, पर ये जादुई बीन्स है। जैक को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, तुम एक अच्छे और होशियार लड़के लग रहे हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया और अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक से अपनी गाय बेचने की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और उसने सारी बीन्स बाहर फेंक दी। माँ अब अपने गुजारे को लेकर चिंतित हुई। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं बाहर आने ना बोलूं। और हाँ, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झाँका तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो उसी जादुई बिन का पेड़ था। जैक ने खिड़की में से कूदकर उस विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो उस घर की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने दरवाजा खोल जैक की तरफ देखा। वो आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ, खाना तो है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल पर रखा खाना खाने जा रहा था, तभी अचानक, बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। वो औरत भागकर जैक के पास आई और उससे कहा, तुम जल्दी जाकर उस ओवन में छुप जाओ बच्चे। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मांस की याद आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने के बाद वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। ये सब जैक ओवन में से देख रहा था। कुछ देर बाद सिक्के गिनते गिनते राक्षस वहीं सो गया। जैक ओवन में से बिना आवाज किए बाहर आता है। टेबल पर चढ़कर वो एक सिक्के की बैग लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उस सिक्के के बैग को जैक ने बिन के पेड़ से नीचे फेंका और खुद भी बिन के पेड़ से उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और दौड़ते हुए घर के अंदर गया। जैक की माँ ने इतने सारे सोने को एक साथ देखा और वो बहुत खुश हो गई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ दिन बाद वो सारा सोना खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, तब जैक फिर से बिन के पेड़ पर चढ़कर उस घर में जा पहुँचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। इसके बावजूद भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुँचा। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। खाना हो जाने पर राक्षस ने पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा।
जब वो मुर्गी लेके आई तो राक्षस ने उस मुर्गी को अंडा देने के लिए कहा। तभी उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जैक ये सब अवन में से देख रहा था। राक्षस सो जाने के बाद जैक अवन में से बाहर आया। उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपनी किस्मत को आजमाने की सोची। बिन के पेट से ऊपर जाकर वो अब राक्षस के घर में छुपकर घुस गया। राक्षस की पत्नी से छुपते हुए जैक एक बड़े से मटके में छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। इस बार राक्षस के पत्नी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो वो अवन में होगा। पर जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने पूरा घर छान लिया पर वो जैक को ढूंढ ना पाए। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। वो राक्षस के घुटनों के ऊपर से टेबल पर चढ़ता है। अच्छा तो तुम हो चोर, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागते कहा हो, रुको। माँ जल्दी आना और साथ में कुल्हाड़ी भी लाना। उन दोनों माँ बेटों ने बिन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बिन के पेड़ को काटा और राक्षस जमीन पर जोर से गिर गया। अब वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूँगा और मेहनत से ही अपना गुजारा करूँगा। उसके बाद जैक ने जो कुछ भी कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया और अपनी माँ का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना गलत है, मेहनत की कमाई में ही असली सुख होता है। भागो, भेड़िया आया। एक गांव में एक बड़ा शैतान लड़का रहता था। उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर वक्त गांव के लोगों से कुछ ना कुछ शैतानी करता था। ए, क्या कर रहे हो? मुझे बांधा क्यों है? शरारत बंद करो। उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे। उसी वजह से उसके पिता ने उसे भेड़े चराने का काम दिया। पर वहाँ भी उसकी शैतानी कम ना हुई। अरे यार, आज बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना चाहिए। हाँ, बचाओ भेड़िया। तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग अपने हाथ का काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। भेड़िया, अरे हमें उसकी मदद करनी होगी। अरे ओ, ओ, ए, 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 ए। अरे मेरी मदद को। पर यहाँ तो कोई नहीं। उनकी भाग दौड़ देखकर लड़का उन पे खूब हंसता है। वाह, क्या मजा आया, कैसे उल्लू बनाया सबका। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे वही भेड़िए वाली शैतानी करने का मन होता है। बचाओ, भेड़िया। गांव वाले फिर एक बार उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। पर वो शैतान लड़का फिर से उन पे हंसता है। मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया। अरे ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेड़िया चराते वक्त आराम कर रहा था, तभी अचानक से भेड़िये की आवाज सुनाई देती। असली भेड़िये की आवाज सुनकर लड़का डर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। गांव वाले उसके चीख सुनते हैं, लेकिन अब उसकी मदद करने कोई नहीं आता। चीखने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़े खा जाता है। बेचारा लड़का सिर पर हाथ मारते मारते रोता रहता है। झूठ की वजह से वो अपनी सारी भेड़े गवा देता है। झूठे की बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता। कौवा और सांप। जंगल में ऊंची पेड़ की डाली पर एक कौवा अपना घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे की गंध सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पे छिप गया। थोड़ी ही देर में अंडों की गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। और क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो यह बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो, बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है, वो अपना हार निकाल कर किनारे पे रखती है, उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार, मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे तब तुम हार को सांप के बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली बात करते हो यार, पहले जो बोला वो करो फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसा ही कौवे ने किया और राजकुमारी का हार सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कौवे का बदला पूरा हुआ। कौवे ने अपनी दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्त वही होता है जो संकट समय में काम आता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।